क्वेश्चन को अच्छे से देखो। कहता है कि अगर हमारे पास एक मास है वर्टिकली स्प्रिंग से अटैच है, दिस इज द स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/k, मैं लिख सकता हूँ बोलो इतना, हम लोग रटे हुए हैं इसको, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2πk/m अंडर रूट, ये चला जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें n ऑलरेडी मेंशन है, बराबर है। ये आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ एक अजम्पशन लिया जा रहा है, नेग्लिजिबल मास। नेग्लिजिबल मास अगर नहीं बताता तभी भी मैं नेग्लिजिबल लेता, बिकॉज अगर मास कंसीडर करोगे तो क्वेश्चन बदल जाएगा, उसका ऑसिलेशंस बदल जाएगा, टाइम पीरियड बदल जाएगा। अब अगर मैं मास 4 times कर दिया तो हमें कितना फ्रीक्वेंसी होगा, चलो तो अब m इज इक्वल टू 4m, फ्रीक्वेंसी m डैश इज इक्वल टू 1/2π दैट इज के एम डैश, लिख सकता हूँ ना, ए मास बदला m डैश, फ्रीक्वेंसी भी मेरी बदल गई, तो 1/2π k 4m बराबर, तो ये आ जाएगा n/2, लिख सकते हो बहुत आसानी से,